वेलकम टू रीड एंड लीड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में दोस्तों हम कवर करेंगे 14 और 15 जनवरी का करंट अफेयर, जो आपको आने वाले सभी एग्जाम में देखने को मिलेगा। वीडियो को दोस्तों लास्ट तक देखें, यदि पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने क्वेश्चन खुला हुआ है। यहाँ पर दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में भारत ने कहाँ पर होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया है। इसका दोस्तों सही आंसर है तेहरान। तेहरान में दोस्तों भारत ने हिस्सा लिया है। ईरान के सभी महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार जैसे चीन, ओमान, भारत, अफगानिस्तान, इन सभी ने दोस्तों इस होर्मुज शांति पहल में हिस्सा लिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में पूर्वोदय स्टील हब कौन सा देश लॉन्च करेगा। इस हब को दोस्तों लॉन्च करेगा भारत। भारत इसका सही आंसर है। इस्पात मंत्रालय CII और JPC के साथ भागीदारी कर रहा है। इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अब पूछा गया है, भारत साइबर अपराध समन्वय केंद्र का उद्घाटन किसने किया है। अमित शाह ने दोस्तों इसका उद्घाटन किया। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। 700 से अधिक पुलिस जिलों और 3900 से अधिक पुलिस स्टेशनों को इस पोर्टल से जोड़ दिया गया है। पोर्टल का नाम है दोस्तों www.cybercrime.gov.in। इस पोर्टल का दोस्तों उद्देश्य है कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता को बढ़ावा देना। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, किस देश ने हाल ही में कहा है कि उसने गलती से यूक्रेन का विमान गिरा दिया था। दोस्तों ईरान इसका सही आंसर है। ईरान से ही दोस्तों गलती से यूक्रेन का विमान गिर गया था। इस घटना में दोस्तों 176 लोगों की मौत हो गई थी। ईरान की सेना ने दावा किया था दोस्तों उन्होंने दावा यह किया था कि प्लेन उनके मिलिट्री एरिया की तरफ बढ़ रहा था, जिससे उन्हें लगा कि दुश्मन का खतरा समझा उन्होंने। इस वजह से दोस्तों जो है उनका प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया गलती से दोस्तों, इस वजह से उनका जो विमान उन्होंने गिरा दिया या गिर गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, भारतीय संशोधन नागरिकता संशोधन एक्ट CAA भारत में कब से लागू किया गया है। इसका जो दोस्तों सही आंसर है 10 जनवरी इसका सही आंसर है। 10 जनवरी से दोस्तों CAA लागू हो गया है। इसके बारे में दोस्तों आप सभी जानते हैं, इस कानून से दोस्तों बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, हाल ही में ऊर्जा मंत्रालय ने राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 जारी किया है। इसके संदर्भ में दोस्तों जो नीचे वाक्य दिए गए हैं चार, इनमें से दोस्तों कौन से वाक्य सही हैं। इसमें से दोस्तों पहला और दूसरा तीसरा लगातार दोस्तों तीन वाक्य सही हैं और एक चौथा वाला वाक्य जो है वो गलत है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 10 जनवरी 2020 को जारी किया गया था। ये बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, सही बिल्कुल वाक्य है। दूसरा वाक्य भी दोस्तों बिल्कुल सही है, इसको ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था हेतु गठबंधन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा मिलकर विकसित किया गया है। फ्रंट रनर समूह में किसी भी राज्य को स्थान नहीं मिला है। ये तीन वाक्य दोस्तों सही ही हैं। इन सभी का PDF दोस्तों आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप दोस्तों आप ज़रूर ज्वाइन करें। अगले क्वेश्चन अब पूछा गया है, हाल ही में रथ महोत्सव का आरंभ कहाँ पर हुआ है। रथ महोत्सव दोस्तों तमिलनाडु में दोस्तों आरंभ हुआ है। तमिलनाडु के बारे में दोस्तों कुछ जान लेते हैं। तमिलनाडु के बारे में दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम है के पलानी स्वामी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन अब पूछा गया है, कहाँ पर सुरक्षा बढ़ाने के लिए IP आधारित BSS प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। रेलवे स्टेशनों पर दोस्तों BSS प्रणाली स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यहाँ पर दोस्तों कुछ स्टेशनों पर ये शुरू भी कर दी गई है। रेलवे पुलिस फोर्स यानी RPF के जरिए आसानी से अपराधियों की पहचान कर सकेगी इस प्रणाली द्वारा। ये टेक्नोलॉजी दोस्तों बेंगलुरु, मनमाल, भुसबाल स्टेशनों पर शुरू भी कर दी गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 2021 में जनगणना कब से शुरू होगी। दोस्तों अप्रैल 2021 से दोस्तों जो है जनगणना शुरू कर दी जाएगी। जनगणना 2021 इस साल कब से शुरू होगी दोस्तों, इस तरीके का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसका आंसर दोस्तों होगा अप्रैल। पिछली जनगणना दोस्तों 2011 में हुई थी, आप सभी को पता होगा, जिसके अकॉर्डिंग दोस्तों हिंदुस्तान की जो जनसंख्या थी वो 121 करोड़ थी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, मिस
टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब किसने जीता है? इसका दोस्तों सही आंसर है आयुषी ढोलकिया ने दोस्तों इस इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता 19 दिसंबर को गुड़गांव में संपन्न हुई। मिस टीन इंटरनेशनल दुनिया का सबसे पुराना टीन पेजेंट टाइटल है और पिछले 27 सालों से कोई भारतीय इस खिताब को नहीं जीत पाया था। आयुषी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस प्रतियोगिता की जो है तस्वीरें शेयर की थी आयुषी ने। आयुषी ढोलकिया इसका सही आंसर है। आयुषी ढोलकिया ने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 का खिताब जीता है। ये तो था दोस्तों 14 जनवरी का करंट अफेयर। अब चलते हैं दोस्तों 15 जनवरी के करंट अफेयर की तरफ। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, हम डेली जो है करंट अफेयर के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करते हैं और अब आप देख रहे हैं दोस्तों 15 जनवरी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं पहले क्वेश्चन में पूछा गया है द्वीप विकास एजेंसी की छठी बैठक की अध्यक्षता किसने की है? इसका दोस्तों सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने दोस्तों इसकी अध्यक्षता की है। द्वीप विकास एजेंसी की छठी बैठक की अध्यक्षता अमित शाह ने की है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर सूची से हटा दिया है? इसका दोस्तों सही आंसर है चीन। चीन को दोस्तों मुद्रा मैनिपुलेटर सूची से हटा दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा है हाल ही में GEFCO के साथ साथ साझेदारी किसने की है? दोस्तों किसने साझेदारी की है? TCS, इन्फोसिस, विप्रो। इसका सही आंसर है दोस्तों इन्फोसिस। इन्फोसिस ने दोस्तों GEFCO के साथ साझेदारी की है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस कब मनाया गया है? इसका दोस्तों आपको आंसर बताना है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसका सही आंसर है 14 जनवरी को दोस्तों सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है। 14 जनवरी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है रायसीन डायलॉग का 5वां संस्करण कहाँ शुरू होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में दोस्तों रायसीन डायलॉग का 5वां संस्करण शुरू होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू होगा? इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, आबू धाबी। इसका सही आंसर है आबू धाबी में दोस्तों विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा या शुरू दोस्तों हो गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है भारतीय वायुसेना कितने लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण करेगा? इसका दोस्तों सही आंसर है 200। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। भारतीय वायुसेना में 200 लड़ाकू विमानों का अधिग्रहण किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा है 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जो सही आंसर है दोस्तों लखनऊ। लखनऊ में दोस्तों 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है इसरो गुयाना से GSAT-30 का उभरे लॉन्च कब करेगा? इसरो गुयान से GSAT-30 उपग्रह लॉन्च कब करेगा दोस्तों आपको बताना है। इसका सही आंसर है दोस्तों 17 जनवरी 2020। 17 जनवरी 2020 को इसरो गुयाना से GSAT-30 उपग्रह लॉन्च करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है आंध्र प्रदेश में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कौन करेगा? उद्घाटन दोस्तों कौन करेगा आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है उपराष्ट्रपति दोस्तों इसका उद्घाटन करेंगे। आंध्र प्रदेश में परंपरागत तेलुगु अध्ययन उत्कृष्टता का उद्घाटन जो है उपराष्ट्रपति करेंगे। ये तो दे दोस्तों आपके 15 जनवरी के करंट अफेयर के क्वेश्चन। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। यदि दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।